वेलकम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जो हमारे डाटा को प्रोसेस करती है, उस डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है जो प्रोग्राम्स हम उनको देते हैं उसके मुताबिक। और ये वर्सेटाइल है क्योंकि ये डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होती है, फॉर डाटा प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, पहले जो है कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर है वो चीज़ है जिसे ना हम देख सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, और हार्डवेयर वो है जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर, वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर, वी कैन टच हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। हार्डवेयर हमारे फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। अगर हम इनका डिफरेंस देखें, जो हार्डवेयर है हमारे फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, और जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें कुछ डाटा होता है, कुछ जो है वो टास्क जो हमें जो इनेबल कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन सा टास्क किस तरह से परफॉर्म करवाना है। हार्डवेयर टेंजिबल पार्ट है कंप्यूटर का। टेंजिबल का मतलब है जिसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल पार्ट है जिसे ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। हार्डवेयर का फंक्शन की बात करें तो हार्डवेयर जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम डाटा को देते हैं, जिनके अंदर डाटा को स्टोर करवाए जाते हैं, जो हमें आउटपुट देता है, आउटपुट दिखाता है, जो डाटा प्रोसेस हुआ होता है उससे जो इंफॉर्मेशन आती है वो हमें डिस्प्ले करवाता है। और जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम हार्डवेयर को देते हैं, जो हार्डवेयर को बताता है कि उसने कौन सा किस तरह से परफॉर्म करवाना है। बेसिकली ये हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में जितने भी वेरियस फंक्शंस हैं उनको मैनेज करता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है वो बगैर सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर को भी कोई ना कोई चाहिए जिसको वो इंस्ट्रक्शन दे कि उसने किस तरह से काम करना है। तो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और हार्डवेयर जो बगैर सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता। अगर हार्डवेयर की एग्जांपल देखिए, सीपीयू, मेमोरी है, स्टोरेज है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस ऑफिस है, बायोस हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हैं। अच्छा, ये हमारे सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स हैं जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारे पास वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास जो कि इंटरफेस है बिटवीन द हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हमारे जो है यूज़र के दरमियान। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितनी भी हमारी एप्स वगैरह हैं वो सारी क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी डिफरेंसेस देखते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र, और ये सारे हमारे जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन करें। जैसे कि हमारा अगर हम मोबाइल डिवाइसेस की बात करें, मोबाइल डिवाइसेस में कौन सा प्लेटफॉर्म है जो उसको पर एप्लीकेशंस को जो है रन करने में हेल्प करता है, वो है एंड्रॉयड। तो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्ड जब सबसे मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा प्लेटफॉर्म है इन आवर मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, वो है एंड्रॉयड। इसी तरह हमारे कंप्यूटर में विंडो है। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और ये किसी न किसी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो है पब्लिकली कह सकते हैं आपके पास, ये जो है आपके इंटरफेस है आपके कंप्यूटर के अंदर जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को।
अच्छा, ये बैक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये बैकग्राउंड में काम करते हैं, इनका डायरेक्टली किसी यूज़र से कोई जो है किसी तरह का डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती, मैनिपुलेट नहीं करता है। मतलब यूज़र जो हम, जैसे कि हम यूज़र हैं, हम कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारा डायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर से कोई इंट्रैक्शन नहीं है, हम कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। लेकिन जो ऐप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप ऐप है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उसके बाद अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये हम बात कर रहे थे कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑपरेट करने के लिए। ये हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का ओवरऑल जो फंक्शन है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उन्हें हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है फॉर रनिंग, फॉर जो है फॉर अपना जो भी है काम करवाने के लिए, अपना फंक्शंस परफॉर्म करवाने के लिए। क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर को जहाँ पे वो रन कर सके, जहाँ पे वो अपना जो है वो टास्क परफॉर्म करवा सके। यानी हमारे जितनी भी एप्स हैं जो हमारे मोबाइल में चलती हैं, उसको कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है? एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म चाहिए फॉर फंक्शन करने के लिए। अब आपको पता है कि कुछ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक भी होती हैं, कुछ ऐप जो है वो एप्पल के मोबाइल्स में जो है वो चलती हैं, आईफोन्स में चलती हैं, लेकिन वो एंड्रॉयड में नहीं चलती। कुछ एंड्रॉयड में चलती हैं, वो आईफोन में नहीं चलती। मतलब बेसिकली वो जो है वो डिपेंड करती हैं, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं। जितनी भी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, इनको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनको कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता। कस्टमाइज़ नहीं, इससे मतलब ये कि कोई आके ऑर्गेनाइजेशन या यूज़र नहीं कह सकता कि हमें इस तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, इस तरह का बना कर दें। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो यूज़र की, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पर बनाए जा सकते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे विंडोज़ हैं, मैक ओएस है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, अडोब फोटोशॉप एंड एक्सेल। एंड नेक्स्ट हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में मज़ीद कुछ चीज़ें देखते हैं। ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम को इन डिटेल हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज ही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हमारी जितनी भी एप्स हैं और जो और हार्डवेयर है उनके दरमियान एक इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है। हमारी कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं चल सकती। हमारा कोई भी हार्डवेयर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो रन करेगा। यानी अगर मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? हमारे जो है हमारा ये जो है लैपटॉप्स हैं, इनमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो किसी तरह काम नहीं करेगा। पहले हार्डवेयर में पहले क्या होना चाहिए? कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और ऐप्स को भी किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है रन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? हमारे जो ये क्या करते हैं, डिवाइस ड्राइवर का काम होता है जो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको क्या करना, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करवाना उसकी। फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहले आप तो कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं उनमें हमारे जो कंप्यूटर्स हैं ऑलरेडी प्रिंटर्स का ड्राइवर जो है ऑलरेडी मौजूद होता है। लेकिन जो है कुछ पहले जो प्रिंटर्स थे उनमें क्या होता था, या कंप्यूटर्स थे हमारे पास, हमें जब प्रिंटर किसी कंप्यूटर के साथ अटैच करना पता था, ये अटैच करना होता था, तो हमें उस प्रिंटर का जो है ड्राइवर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ता था। यानी हमारी जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उनको, उनका ड्राइवर अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होगा तो ही हमारा जो वो हार्डवेयर डिवाइस है वो काम करेगी। जैसे कंप्यूटर जो कीबोर्ड है, माउस है, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं इनके तो ऑलरेडी जो है ड्राइवर मौजूद होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, इसलिए हम अटैच करते हैं तो वो चल पड़ता है। कुछ जो एक्सटर्नली हम डिवाइसेस लगाते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, तो उसमें उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले हम अपने कंप्यूटर में उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर वो चलते हैं। तो बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स वो प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर, हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस को हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने में, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये एक ट्रांसलेटर्स होती हैं जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये ट्रांसलेटर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होना जरूरी है फॉर हार्डवेयर को रन करवाने के लिए।
यूटिलिटी प्रोग्राम्स इनका सिर्फ इतना काम है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना, उसको इंक्रीज करना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। जैसे कि हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे डिस्क क्लीनअप टूल्स हैं, ये सारे इनका क्या काम होता है कि हमारे जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। जो बायोस है, बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये एक फर्मवेयर है जो हमारे इनिशिएट करता है या कंट्रोल करता है हमारी बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसेस हैं, ये भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। ये द हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर्स, बल्कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड। अब तो उन कंप्यूटर लैंग्वेज को एंड जो है हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमारे क्या यूज़ होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अगर देखा जाए तो कितनी तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, तीन तरह की होती हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज जो कि एक मशीन की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बाकी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये दोनों लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लेवल लैंग्वेजेस में। तो उसका काम कौन करता है, वो काम करता है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो तीन तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, लेट्स सी दैट लैंग्वेज प्रोसेसर्स। इनका काम हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, उस पर वर्क कर सकता है। तो कौन कौन से हैं लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर्स, तीन है। असेंबलर है जिसने असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना है, कंपाइलर है जिसने हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है, और इंटरप्रेटर ने भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कंपाइलर है वो पूरा का पूरा हो उसको जो हमने इसमें लिखा होता है एक दफ़ा में ही उसको जो है कंपाइल कर देता है, एग्जीक्यूट करवा देता है। लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपके जो कोड है या सोर्स कोड आपने लिखा हुआ है उसको कंपाइल करवाता है, उसको एग्जीक्यूट करवाता है, क्योंकि कंपाइलर एक ही दफ़ा में सारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवा देता है, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट है और इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, स्लो। कंपाइलर में C++ ये लैंग्वेजेस होती हैं, इंटरप्रेटर में पाइथन, रूबी, जावा, ये लैंग्वेजेस यूज होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जो पैकेज सॉफ्टवेयर्स हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले देख लेते हैं, जो स्पेसिफिक टास्क या फंक्शंस को किसी एंड यूज़र के बेस उनकी रिक्वायरमेंट पे किसी भी स्पेसिफिक टास्क या फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। एप्स वगैरह जितनी भी हमारी इनका काम होता है किसी यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स या नीड्स को पूरा करना। दो तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जो पैकेज सॉफ्टवेयर है इन्हें हम कमर्शियल ऑफ द शेल्फ भी कहते हैं या जर्नल पर्पस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं वो पब्लिकली सब जो कस्टमर्स होते हैं, जो पब्लिक है या जर्नल पब्लिक या जर्नल कस्टमर है उनके उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जैसे MSs, offices हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं। लेकिन जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर किसी बिजनेस, इसको हम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या जो बीस्पोक सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ये किसी स्पेसिफिक यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन की नीड या रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसे बिल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये किसके लिए बनाया जाएगा, किसी स्टोर के लिए बनाया जाएगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम किसी न किसी हॉस्पिटल के लिए होगा। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम किसी न किसी, यानी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्पेसिफिक यूज़र की नीड या रिक्वायरमेंट्स पे इन्हें बनाया जाता है कस्टमाइज को, इन्हें हम जो है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। अब नेक्स्ट है, ये सॉफ्टवेयर था हमारा पूरा का पूरा, जिसमें सॉफ्टवेयर भी दो टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखे हैं जो क्या क्या आ जाती हैं, जो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को फंक्शन जो है करवाने के लिए हेल्प आउट करती हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक एंड यूज़र इनको यूज़ करता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र डायरेक्टली यूज़ नहीं करता। ये सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पैकेज और कस्टमाइज दो तरह के हमने टाइप्स देखी हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें हार्डवेयर, हार्डवेयर में हमारे पास हैं 4-5 इसके कंपोनेंट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इन सबको हम जो है वो बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे इन सारी जो है कंपोनेंट्स को इन द नेक्स्ट लेक्चर।